अनार कितना करना जी? की हिसाब है? अनार 1200 रुपए। 1200 रुपए यार, शदीद सर्दियों के रोजे आने वाले। जो ये बेस्ट पार्ट है, ये बेस्ट पार्ट है, इसने जो जायका डालना है ना, ओफ यार, सुभान अल्लाह। मैं भी बाहर निकला और क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है। अब खाने वाले को पता नहीं लग रहा होता कि ये चीज क्या चीजों का जायका आ रहा है, मतलब मुंह के अंदर हर तरफ से खटास। ये आया हमारा मेन मिलियन डॉलर लिक्विड। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, शुपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रशीद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस टाइम तकरीबन 2:45 हो रहे हैं दोपहर के, और मैं निकला हूँ फ्रूट चाट का सामान लेने के लिए। बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल आज। ओए होए होए, मुझे याद आ गई, रोजे के अंदर याद आ गई, चटखारी फ्रूट चाट बनती है ऐसी कि जिसके नीचे आप ऐसे नीचे चम्मच घुसाते हो, जरा जूस साथ आए, पता नहीं किस चीज का जूस होता है क्या होता है, बट बहुत मजे की फ्रूट चाट बनने वाली है, जिसके लिए भी मुझे फ्रूट लेना और फिर सीधा पहुंचना किचन में। तो अगर आप हमारी रमजान कुकिंग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आज है उसका थर्ड एपिसोड। आ जाओ भाईजान, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी, क्या क्या लेना है? स्ट्रॉबेरी की हिसाब है? 200 रुपए पाव। 1 किलो स्ट्रॉबेरी, 2 किलो सेब हरे वाला। हाँ जी। अनार है? अनार है। क्या हिसाब है अनार? कौन सा, रेड वाला? रेड। 1200 रुपए किलो। बहुत अनार कितने हो गया? अनार कितना करना जी? की हिसाब है? अनार 1200 रुपए। 1200 रुपए यार, लेकिन अनार चंगा है। अनार है कि बकरे तो गोश्त है? 1 किलो अनार, लाल लाल, 1 डब्बा कीवी दा, केले 2 दर्जन कर दी। ओए होए होए, फ्रूट फ्रूट कितना महंगा हो चुका है। मतलब मैं अभी ये फ्रूट सारा लेके आया हूँ, और रमजान से कोई 3 दिन पहले भी मैं लेके आया था, तो चीजों की प्राइसेस डबल कर दी गई है। डबल के मतलब पूरी दुनिया में कोई भी उनका फेस्टिवल आता है ना, वो अपनी चीजों को सस्ता कर देते हैं, 50% 70% सेल लगा देते हैं। ऐसे फ्रूट नो अग लाई खड़े ने, मतलब 1200 रुपए किलो चीजें, 4 और 5 शॉपर नजर आ रहे हैं, 4300 उसने बिल बनाया। ये रेडी वाले की बात बता रहा हूँ। पता नहीं आपका इसके बारे में वैसे क्या कहना है कि रमजान में यहाँ पाकिस्तान में हर चीज की प्राइस ऊपर क्यों चली जाती है। अभी फ्रूट लेके आए तो ये धूप मेरे मुंह पे पड़ी, और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कितने गर्म रोजे। और फिर मुझे एकदम से याद आए आज से 6-7 साल पहले के, 5 साल पहले के, 4 साल, इवन 2 साल पहले के रोजे, कि कितनी गर्मी होती थी। हम लोगों ने जून जुलाई के रोजे देखे। फिर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अभी बच्चे छोटे हैं, इनकी तो मौजे यार, क्योंकि आगे 9-10 साल के जो रोजे हैं वो फरवरी जनवरी दिसंबर में आ रहे होंगे, शदीद सर्दियों के रोजे आने वाले, जो कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा कि मतलब इतना छोटा रोजा होगा। और अभी अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर जाओ तो बहुत से नौजवान हट्टे कट्टे ऐसे कमीने हैं जो रोज़े नहीं रखते। आप कोई भी अगर यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, आपको पता होगा यूनिवर्सिटीज के अंदर इस टाइम रोज़ा रखने की रेशो कितनी कम है। और हालांकि वहाँ पे किस उम्र के बच्चे पढ़ बच्चे तो नहीं होंगे, खोते हो चुके होंगे, ब्याहां दी इन्हें टेंशन होती है तो रोज़े इन्होंने रखने नहीं होंगे। खैर, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे रोज़े रखने की, लेकिन कितनी खुशी की और कितनी मज़े की बात है कि आगे हम, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अगले सालों में हम बिल्कुल सर्दियों के रोज़े देख रहे होंगे। इवन अभी भी जो रोज़े हैं बहुत शामें रातें बहुत ठंडी हैं, दिन में ज़रा ये गर्मी तेज़ हुई है, अभी अंदर चलते बनाते हैं। ओके, सो खवातीन हज़रात, आप सोच रहे होंगे कि फ्रूट चाट, यार फ्रूट चाट की रेसिपी, ये जो फ्रूट चाट आपको रेसिपी आज मिलेगी, और उस रेसिपी से जब आप फ्रूट चाट बनाओगे, खैर हम सिर्फ फ्रूट चाट नहीं बनाने वाले इस वीडियो में, हम साथ में बनाने वाले हैं दही बड़ी। महा, अच्छा, दही बड़ी की स्पेशल है इसके बीच में क्या स्पेशल है? हम कैसे लेयर अप करते हैं अपने दही बल्ले घर? ठीक है, हम okay. बोल सकते, जस्ट वांट फ्रूट चाट तो ऑनेस्टली बहुत स्पेशल रेसिपी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दही की एक लेयर लगाएंगे नीचे, दही की एक लेयर लगाएंगे नीचे। यस, सही है। हमारे पास सबसे पहले एक दही आ गई, उसके ऊपर आ गए हमारे, हम लोग अब लगाएंगे इसके ऊपर एक लेयर चनों की चिक पीस, छोले बॉइल। अच्छा, आप लोग क्या बोलते हो, दही भल्ले, दही भल्ले या दही बड़े? हम बोलते हैं दही पले, दही पले। तो इसी फैसला बाद होने हो। हाँ, तो और क्या, दही पले। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। कितना? हसबे जरूरत हसबे जायका। ठीक है, दही पले, दही पले, दही पले। आलू? अब आलू की लेयर। अच्छा, क्या कह रही हो? फैसला वादियों को, जैसे यहाँ लाहौर में आई डोंट नो बहुत ज़्यादा पसंद है कि नहीं, हम लोग, मैं, मुझे पर्सनली पुलाव बहुत पसंद है, तो मुझे तो दही भल्ले उसके साथ कॉम्बो में बहुत यम लगता है। ये मुझे इस चीज़ से बहुत बड़ा इख्तलाफ है, बहुत ही बड़ा इख्तलाफ है। पुलाव मुझे पसंद बहुत है, मटन पुलाव हो तो क्या ही बात है, फिर मैं और कुछ खाते ही नहीं। चिकन पुलाव, वही मैं कह रहा हूँ कि साथ दही भल्ले, पुलाव के नाल दही भल्ले, यार मतलब पुलाव की अपनी फील मर जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, बट पंजाब में बहुत नॉर्मली ये चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जाती है, आप लोग भी खाते होंगे पुलाव के साथ दही भल्ले, लेकिन मैं कहना यार माती मारती पुलाव दीजिए। अब हम लोगों ने ऊपर प्याज डाल दिया, तो फिर हमने इसके ऊपर डाला टमाटर। अब हम फिर से इसके ऊपर एक और लेयर चाट मसाले, चाट मसाले की, होर आलू, होर आलू, होर बोटी, होर बोटी। अब हम इसके ऊपर
दही पाउडर। ये जी हमारे पास दही है यहाँ पे, इसमें हाफ पैकेट अभी क्रीम आएगी, ये क्रीमी हो जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं, लेयर ते लेयर चल रही है, लेयर ते लेयर चल रही है। तो ये उस चीज का सीक्रेट है भाई कि अगर आप कहीं बाहर दही वाले खाने जाओ तो इतनी थिक आपको जो है ना एक क्रीम मिल रही है, वो क्रीम नहीं दही आपको लग रही होती कि कितनी मजे की आ हा हा, वो भाई बिच क्रीम तो नहीं होंगी है। तुम भी घर जमें दही के बिच क्रीम पा लेनी है तो ताड़ियाँ भी मौजा हो जानी है। फिर से चाट मसाले की एक लेयर आई है प्याजों के ऊपर, प्याज थोड़े और डाल दूँ। आ हा हा, क्या पूरा पूरा लेयर अप करना है। क्या बात है, इसको मैं कवर कर दूंगा, हमारी दही अब दही बल्लों को कवर करेगी, इसके ऊपर छत आ जाएगी। अब जिस चीज ने इसके अंदर से ही जायके ऐड करने हैं, इमली की चटनी। इमली की चटनी होममेड है, ये खुद बनाई हुई है? यस, ये होममेड। ठीक है, थिक 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 जिस तरह इमली की पेस्ट होती है ये इस तरह से। अक्सर लोगों के काम में बहुत चुक दिंदी है इमली, अक्सर लोगों का स्टमक का मसला होता है ना इमली के साथ कि अगर इमली खा लें तो फिर स्टमक की गरारियाँ चल पड़ती हैं और फिर भावें उन्हें को सिलेंडर पर आलो वो कर दे। ये आलू बुखारे की चटनी आ गई, सेकंड स्पेशल इसके अंदर जो सॉस हम साइडों पे डाल देंगे ताकि वो अंदर चली जाए। हमारा फ्रूट चाट का सेटअप लग चुका है, यहाँ पे सेब आ चुके हैं, अनार आ चुके हैं, अनार का बिल्कुल जाने का सीजन है। उसने कहा जी लाल अनार है लेकिन स्ट्रॉबेरी और अभी ये पिंक सा अनार है बट अंदर से अल्लाह करे रेड निकले। अनार 1200 रुपए किलो उसने हमें तकरीबन 1100 दिया, उससे कम नहीं उसने किया हमें अमाउंट, क्योंकि हम लोग एक दावत के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम ज्यादा ज्यादा बना रहे हैं लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते। ओए गुड यार, बंदे ने झूठ नहीं बोला था, अनार अंदर से बिल्कुल लाल सुरख रहता है, हालांकि मुझे लग रहा था यार बाहर से तो पिंक हुआ है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। ये चेक करो अनार हमारा ऐसे निकलता चला जाएगा। ओके जी, हमारे पास कट होने के बाद हमारा फ्रूट आ चुका है, इसमें कीवी है, कितनी कीवी है जी? 12 कीवीज। केले कितने ने? 15 स्ट्रॉबेरी कितनी ने? 1 kg। अनार कितने? 1 kg। और नीचे सेब कितने? 6। ओके तो हमारे पास ठीक है, जितने भी हैं हमारे पास काफी फ्रूट आ चुके हैं। अब हम लोग इनको मिक्स कर देंगे, ये दोनों तो कटी हुई चीजें हैं। 30 मिनट अभी भी रहते हैं इफ्तारी में। हमारे पास ये इमली है सोक, जो दो पैकेट पैक्ड मिलते हैं ना बाजार से, ये दो पैकेट्स हैं। ठीक है, अब ये स्टेप आपने गौर से देखने क्योंकि सबसे मेन चीज है इस फ्रूट चाट की है। इमली को आपने बनाया कैसे उनको वो भी तरीका बताओ। मैंने पानी में डिप करके रख दिया उसको, पीने वाले पानी में। ठीक है, और इसको ऐसे से अब इसका पल्प निकालना है हमने। अच्छा ये देखें, अब हमने इसको इस तरह सेपरेट कर लेना है। ठीक है, वाओ स्ट्रॉबेरी बहुत ही बड़ी बड़ी है यार। ये इमली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में महा ने आपको सही से नहीं बताया, अभी बताऊंगी। ठीक है, इसके बारे में सही से बताओ उनको। तीन नई चीजें आई हैं जिन नई चीजों को हम जरा स्पॉटलाइट में रखना पसंद करेंगे। क्या क्या है जी? ओके सो ये आ गई हमारे पास चटनी, ये आ गई है जी खजूरें। और कितनी खजूरें हैं ये तकरीबन? ये 20 20 खजूरें जी। 20 खजूरें, इतनी ज्यादा फ्रूट चाट बन रही है आज जी। और साथ में हमारे पास ये आ गया जी टैंग। टैंग कौन सा फ्लेवर है ये? ऑरेंज फ्लेवर टैंग। और उसके अलावा एक प्याली हमारे पास आ चुके हैं बादाम। इमली पहले बताओ कैसे बनाई है, मुझे समझ नहीं आई इमली आपने बताया नहीं कैसे बनाई। इमली को पानी में डिप करके रखा। ठीक है पैकेट वाली इमली जो मिलती है ग्रोसरी स्टोर से, 2 packets ऑफ इमली या 1.5 भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा। कितने पानी में? पानी जितना थिक रखेंगे उतना बेहतर है। ठीक है, लिक्विड हाँ, इतना हो कि वो बस सोक हो जाए। हाँ, डूब जाए, बस डूब जाए, इतना होना चाहिए। हाँ। उसके बाद हमने उसकी लिक्विड बन चुका है। अब ये क्या डाल रहा है अंदर? ये काला नमक है। काला नमक एक पूरा चम्मच? यस, ज्यादा ना कर देना यार। नहीं ज्यादा नहीं कर देना। चाट मसाला बहुत भर कर नहीं डालना। ये चाट मसाला है जी, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच चाट मसाला, बहुत भर कर नहीं डालना, बिल्कुल बैलेंस्ड हो। ये बेस्ट पार्ट है, ये बेस्ट पार्ट है, इसमें जो जायका डालना है ना, भर भर के डालना है। 1 2 3 4 5 ये जो हमारे इस टाइम ये बन रही है ना चीज, जिसके अंदर इमली साथ में चाट मसाला काला नमक और टैंक, अब ये हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 8 चम्मच। ठीक है, अब भाई ये जो चीज है ना, ये जो बन चुका है हमारे सामने, ये जब फ्रूट चाट के अंदर जाता है और खाने वाले को पता नहीं लग रहा होता कि ये चीज क्या चीजों का जायका आ रहा है, कि मतलब मुंह के अंदर हर तरफ से एक खटास, एक अलग अलग जायके आ रहे हैं फ्रूट्स के साथ।
तो वो ये चीज़ है, हम ये सारा फ्रूट इसमें डाल देंगे। ओए, सारा आपने इधर उधर कर दिया है। आप लोग बताओ आप लोगों को कैसी लगती है कीवी। ये आया हमारा मेन मिलियन डॉलर लिक्विड जिसने इस चार्ट को ऐसा बना देना है कि खाने वाले ने पागल हो जाना है। नेक्स्ट स्टेप खजूरें, खजूरें, खजूरें। 20 खजूरें गई, मिक्स करो जी। अब बादाम भी डाल दो ना। आहा, हेल्दी तरीन बादाम, मेवे, अखरोट, जो तो इसके अंदर आप एक और चीज भी डालती हो। डाल रही। क्या भला? किशमिश। यस, किशमिश, यही किशमिश। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपको लगेगा जिस तरह किसी बाजार में, मतलब बाजार की बहुत अच्छी फ्रूट चाट बनी हुई, क्योंकि घर वाली बाजार वाली चीज में फर्क होता है। बाजार वाली चीज घर च नहीं मानती, घर वाली बाजार च नहीं मानती, बट इसमें आपको फील आएगी घरेलू प्लस आप चटखारे। अच्छा, जो कभी आपने सोचा है, हम हमेशा बाहर जाके कहते हैं यार बिल्कुल घर जैसा है ना, ना और अगर हम मतलब घर में कोई इस तरह की चीज बनाने जो बाहर जैसी होंगे तो बाहर वर्गी बंदा किसी हाल से खुश नहीं है, मतलब बाहर जाना तो घर वर्गा चाहिए, घर चाहे तो बाहर वर्गा चाहिए। अब इसको जो है इसके अंदर पूरे वो जूसेस, वो फ्लेवर, वो खटास, वो हर चीज इसके अंदर आ चुकी है। और एक और चीज जो बहुत लोग गलती करते हैं, जो मुझे नहीं पसंद आती, फ्रूट चाट बनाते हुए वो शायद इतनी उसको ज्यादती से मिक्स करते हैं कि सारा फ्रूट कीमा बना देते हैं। बिल्कुल आपको खाते हुए लग रहा होता है कि पता नहीं एक मल्ली तुसी रौला पा लो, एक मल्लीदा जो है ना वो सारा जिस तरह से खा लो, बट इसके अंदर जरा आपने आराम से चमचियाँ लानी ताकि फ्रूट जो है फ्रेश रहे, फ्रूट की फील अपनी रहनी चाहिए, तनाल खटासा होनी चाहिए। जस्ट लुक एट दिस फ्रूट चाट, ओए होए होए, माँ की मेहनत रंग ले आई। अब इतनी थकी हुई लग रही हो आपकी, इतनी नकली स्माइल लग रही है। थैंक यू सो मच एंड शाबाशी, आपने इतनी अच्छी। अब लोग कहेंगे कि सिर्फ फ्रूट चाट बना के थकी, बहुत काम किया। फ्रूट चाट नहीं, ये तो आज हम एक ही दिन के अंदर पता है क्या क्या बना रहे हैं। यहाँ फ्रूट चाट है, यहाँ पे मटन बन रहा है जिसकी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो, उसको छोड़ के हम इस टाइम ये बना रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। अभी ये एक गुप्त जगह है इस किचन के अंदर, साथ साथ 6 डिशेस और चल रही हैं। थैंक यू सो मच। ओफ यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं भी बाहर निकला और क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है। अल्लाह ताला की शान है, इस तरह के सनसेट आपको थाईलैंड या बाली में देखने को मिलते हैं। माशाल्लाह।